नमस्कार चुसारनी, आज मैं आपको कश्मीरी ठूल यखनी बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। दही डाल के तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है। इसके लिए मैंने ले लिए हैं अंडे, खड़े मसालों में ज़ीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और पाउडर में सौंफ पाउडर और सौंठ पाउडर मतलब अदरक का पाउडर और दही और पानी। अब मैं अंडों को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। मैंने गैस का नॉब ऑन कर देती हूँ और अंडों को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जब तक अंडे बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे दही की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। हमने हांडी ले ली है, अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। 3 बड़ी करछी ली है, अब मैं इसमें दही को डाल देती हूँ। मैं दही को हल्का सा फेंट लेती हूँ। मैंने दही को फेंट लिया है, अब मैं दही को हांडी में डाल देती हूँ। मैं इसमें खड़े मसालों को डाल देती हूँ और साथ ही में मैं दही भी डाल देती हूँ। और इसे हम बराबर खिलाते रहेंगे और फ्लेम इसको हम तब तक खिलाते रहेंगे जब तक इसका एक उबाल ना आ जाए। और फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। इसमें मैं नमक को भी डाल देती हूँ। मैं उबलने के लिए रख देती हूँ जब तक हमारी इसमें एक उबाल ना आ जाए। साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर भी डाल देती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अंडा करी से भी ज़्यादा ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। हमारे इसमें उबाल आ गया है, अब मैं फ्लेम थोड़ा धीमे कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसके गैस का नॉब बंद कर देती हूँ। अंडों में उबाल आ गया है, अब मैं गैस का नॉब बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अंडे ठंडे हो गए थे, मैंने उसे छील लिया है, ये देखिए। अब मैं एक एक अंडों में टूथपिन की मदद से प्रिक करूंगी। प्रिक करने से ये होगा, जब मैं इसे तलने के लिए डालूंगी तो तेल अंदर तक जाएगा और जब मैं दही में डालूंगी तो दही भी अंदर तक जाएगा। अंडों को प्रिक कर लिया है और मैंने उधर पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है, अब मैं एक एक करके अंडों को डाल देती हूँ। हम फ्लेम को थोड़ा धीमे करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अंडे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने जो यखनी रेडी की थी उसे मैं गैस पे रख दिया है और अब मैं गैस का नॉब ऑन कर देती हूँ। मैं अंडे को डाल देती हूँ। मैं इसे फुल फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और इसे मैं हिलाती रहूँगी। ठूल यखनी रेडी है, ये देखिए, ये देखिए इसकी ये ग्रेवी कितनी थिक है, ये देखिए। और ये लग रही है ना, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी और यम्मी। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है और मेरा बहुत मन हो रहा है इसे मैं फटाफट खा लूँ। अब मैं गैस का नॉब बंद कर देती हूँ और इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। ठूल यखनी रेडी है, ये देखिए, है ना, बहुत ही सिंपल और इसे बनाना भी कितना आसान। अंडे लिए, फ्राई किया, ग्रेवी तैयार की और रेडी। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, दही डाल के तो वैसे भी सब्जियां बहुत टेस्टी हो जाती हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। कश्मीरी ठूल यखनी।